हेलो एवरीवन, यदि आप करना चाहते हैं पुलिस में जॉब, हरियाणा पुलिस में जॉब, पीछे हरियाणा पुलिस ने अपने फॉर्म निकाले थे 5500 के आसपास पोस्ट थी, वो 24 तारीख को कैंसिल कर दिए थे। अब हरियाणा पुलिस ने दोबारा फॉर्म निकाल दिए हैं, तो उन्हीं के बारे में वीडियो है। यदि आप करना चाहते हैं पुलिस में जॉब तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों यहां दबाकर सब्सक्राइब करो आपके चैनल नॉलेज टीवी देसी ताऊ को और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप देख पाए आपकी फेवरेट वीडियो सबसे पहले। नॉलेज टीवी देसी ताऊ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राजेश स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। तो दोस्तों यदि आप हरियाणा पुलिस में जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज आप रहने दीजिए। तो मैं शुरू करता हूँ यहीं से। तो हरियाणा पुलिस में फॉर्म निकल चुके हैं, 5500 पोस्ट है, तो उसमें मेल कॉन्स्टेबल है जर्नल ड्यूटी के लिए 4500 पोस्ट, ठीक है। फीमेल के लिए है कॉन्स्टेबल जर्नल ड्यूटी की पोस्ट है 1032, ठीक है। क्वालिफिकेशन की यदि बात करूँ तो 12th पास इसके लिए योग्यता होनी जरूरी है और 10th क्लास तक हिंदी या संस्कृत आपके पास एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, एक लैंग्वेज इनमें से होनी चाहिए। इसमें मैं यदि आपकी हाइट या चेस्ट की बात करूँ, थोड़ा फिजिकल के बारे में आपको बता देता हूँ। तो मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है, जर्नल के लिए 168 सेंटीमीटर है जो एससी है या बीसी है उसके लिए। चेस्ट 83 से 87 जर्नल कास्ट के लिए, 81 से 85 एससी बीसी के लिए, ठीक है। यदि मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल की 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जर्नल के लिए, फीमेल 156 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए एससी या बीसी के लिए, ठीक है। और चेस्ट आपको पता ही है फीमेल के लिए कोई टेस्ट का फंडा नहीं होता है। इसके बाद इसमें एज क्या चाहिए आपको, तो एज रखी है 18 से 25 साल, ये एज छठे महीने की 1 तारीख 2017 से शुरू मतलब हो जानी जब किया, तो 18 साल या 25 साल। एज रिलेक्शन है वो आपको अलग से दी जाएगी, ठीक है। पे स्केल भी बढ़ गया है, पहले कम था अब ज़्यादा हुआ। पे स्केल की यदि बात करूँ तो 21,700 रुपये लेवल 3 की आपकी सैलरी लगेगी। इस फार्म को भरने की फीस क्या रहेगी आपकी, 100 रुपये है जर्नल मेल के लिए, 50 रुपये है जर्नल फीमेल के लिए, 25 रुपये है एससी बीसी मेल के लिए, 13 रुपये है फीमेल के लिए एससी बीसी के। यदि मैं इसमें टेस्ट की बात करूं बीच में आपको, तो 80 नंबर का टेस्ट आएगा ओजेप ऑप्शन टाइप, ठीक है। नंबर आएंगे 0.80 0.80 एक क्वेश्चन का ही नंबर है, टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे, टाइम 90 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है। यदि मैं रेस की बात करूं तो मेल के लिए 2.5 किलोमीटर की रेस है 12 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रेस है 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर की रेस है 5 मिनट में, ठीक है। इसके बाद यदि मैं आपके साथ शेयर करूं कि जैसे अपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास, तो उसके आपको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। यदि आपको जैसे प्लस टू तो इन्होंने डिमांड की है, उसके बाद यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 5 नंबर, ठीक है। अब यदि एनसीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास तो 3 नंबर तक आपको मिल सकते हैं। एनसीसी में ए बी सी 3 ग्रेड होते हैं, ए में बी में सी में, आपको इसके अकॉर्डिंग 1, 2, 3 नंबर आपको दिए जाएंगे, मैक्सिमम 3 नंबर आपको मिल सकते हैं। फिर होता है एक एचसीसी का सर्टिफिकेट, हरियाणा कैडेट कोर्स का सर्टिफिकेट, उसके आपको मैक्सिमम 3 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं, ए और बी ग्रेड होता है 1 और 3 नंबर। फिर है पर्सनालिटी टेस्ट होगा आपका, इसमें वो 12 नंबर का होगा, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू टाइम में 12 नंबर का होगा ये। फिर ये फार्म आप भर कैसे सकते हो, ये फार्म सिर्फ आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन तरीके से आपके फार्म एक्सेप्ट नहीं किए, सिर्फ ऑनलाइन।
तो साइट नोट कर लीजिए www.hsc.gov.in। स्क्रीन पर आपको साइट दिख रही है, आप इस साइट से फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 12/6/2017 से स्टार्ट होंगे फॉर्म, 12/6/2017 से और 11/7/2017 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कितनी पोस्ट है, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या रेस होगी, कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या छूट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, यदि अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इस वीडियो में के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए, आपका मैं आंसर ज़रूर दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। और यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो ऊपर दो वीडियो आई है वे भी आपके लिए है, वे भी आप देख सकते हैं।